जानकारी के लिए मैं दिखा देता हूँ एक्टिवा 6G की पूरी डायग्राम मेरे पास रखी हुई है, वायरिंग की और ये जो बोलते हैं जितने भी सेंसर है सबका डायग्राम रखा हुआ है, सबका रेजिस्टेंट मुझे याद है, सब कुछ मुझे याद है क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ों की जानकारी है। ठीक है, निकाल दिया है। ठीक फ्रेंड, ये रिले कैसे चेक करना है ये मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से इसमें आना चाहिए और इसी तरीके से इसमें भी कनेक्शन होने चाहिए। गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट किया। और हेलो फ्रेंड, अगर आप लोगों के पास एक्टिवा BS6 वाला मॉडल है और उसका जो है फ्यूल पंप वर्क नहीं करता है तो आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं, पूरी डिटेल और पूरी वायरिंग डिटेल सब कुछ मैं डिटेल बाय डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, एक्टिवा BS6 का फ्यूल पंप अगर वर्क नहीं करता है तो आप लोग कैसे कैसे चेक कर सकते हैं सब कुछ मैं इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको फ्यूज चेक करना, फ्यूज कैसे चेक करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड, जानकारी के लिए मैं दिखा देता हूँ एक्टिवा 6G की पूरी डायग्राम मेरे पास रखी हुई है, वायरिंग की और ये जो बोलते हैं जितने भी सेंसर है सबका डायग्राम रखा हुआ है, सबका रेजिस्टेंट मुझे याद है, सब कुछ मुझे याद है क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ों की जानकारी है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसे मैं साइड में रख देता हूँ, मैं आपको अपने आसान भाषा में और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप लोगों का जो है फ्यूल पंप वर्क नहीं करता तो आपको क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए इस वीडियो में यही बताऊँगा। एंड अगर आप लोगों की एक्टिवा का जो है फ्यूल पंप नहीं वर्क करता तो ये देखिए सेंसर, ये सारे रेजिस्टेंट है ये जो कि जो कंपनी रिकमेंडेड है वही मैं आपको बताऊंगा, मैं कोई अलग से नहीं बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोगों को कैसे चेक करना, अगर आप लोगों के पास गाड़ी आती है उसका फ्यूल पंप नहीं चलता है तो आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सिंपल से क्या करना है, पहले बीप पे लगा लेना है। तो ये देखिए मैं बीप पे लगा लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे बीप पे लगा लिया। ठीक फ्रेंड, बीप पे लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें ये देखिए इसमें कितने फ्यूज है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक फ्रेंड, ये मेन फ्यूज होता है, अगर कुछ भी नहीं आता तो ये वाला चेक करना है 20 वोल्ट वाला। अगर आपका फ्यूल पंप नहीं चल रहा है तो उसके लिए कौन सा चेक करना, 1 2 3 ये तीसरे नंबर वाला चेक करना है। ठीक फ्रेंड, बीच वाला मतलब कि कैसे चेक करना, आपको ये बीप पे लगा लेना। बीप पे लगाने के बाद इस तरीके से एक एक इस पे लगाना है और एक इस तरीके से यहाँ पे एक इस पे और एक इस पे और इसमें बीप की आवाज आनी चाहिए। ये देखिए आपको मैं सुना देता हूँ, अगर बीप की आवाज आ रही है तो समझ लीजिएगा ये सही है। ठीक फ्रेंड, अगर बीप की आवाज नहीं आ रही है तो समझ लीजिएगा ये जो फ्यूज है ये खराब हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसे हम निकाल देते हैं। तो हमारा ये फ्यूज तो चेक हो गया है, फ्यूज चेक हो गया, तो उसके बाद हमको अगर मान लीजिए फ्यूज चेक हो गया उसके बाद भी फिर भी हमारा जो है फ्यूल पंप नहीं चल रहा तो हमको क्या चेक करना, तो ये वाला रिले आप निकाल लेंगे। तो ये वाला रिले मैं निकाल देता हूँ। ये वाला हमने रिले निकाल दिया है। ठीक फ्रेंड, ये रिले कैसे चेक करना है ये मैं आपको बताता हूँ। रिले चेक करने के लिए आपको इस तरीके से रखना है। ठीक फ्रेंड, तो फ्रेंड रिले चेक करने के लिए आपको क्या करना है, एक इसमें टच करना है, एक इसमें टच करना है, इस तरीके से टच करना है एक इसमें और एक इसमें। अगर बीप की आवाज़ आ रही है तो समझ लीजिएगा ये शॉर्ट है, जो रिले है हमारा बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अगर बीप की आवाज़ नहीं आ रही है जैसा कि मैं लगाए हुए हूँ और इसमें कोई बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, अगर बीप की आवाज़ नहीं आ रही है तो समझ लीजिएगा रिले बिल्कुल सही है। ठीक फ्रेंड, कंपनी रिकमेंडेड यही है। ठीक फ्रेंड, इस तरीके से लगा लीजिएगा और मैं अभी बीप की आवाज़ भी सुना देता हूँ आपको। ये देखिए मैंने माइक यहाँ पर रख दिया, मैं इस तरीके से टच करूँगा तो बीप की आवाज़ आएगी, ये शॉर्टिंग की बीप की आवाज़ है, इस तरीके से आ रही है। और अगर मैं इस पे और इस पे लगाऊंगा तो बीप की आवाज़ नहीं आएगी। ये देखिए इस पे लगाऊंगा तो बीप की आवाज़ नहीं आएगी, ये इस पे और इस पे लगाऊंगा तो बीप की आवाज़ नहीं आएगी। ठीक फ्रेंड, अगर इस पे लगाने के बाद बीप की आवाज़ आती है तो समझ लीजिएगा आपका जो है ये रिले ख़राब है। अगर आप लोगों को और भी चेक करना है अच्छी तरीके से तो इस पे और इस पे लगाइएगा, इसमें रीडिंग आएगी। ये देखिए रीडिंग आ रही है, इस पे 80-83 आ रही है। अगर ये 80-83 आ रही है, ये देखिए 80 आ रही है, तो समझ लीजिएगा आपका जो रिले बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस पर अगर बीप की आवाज़ नहीं आ रही तो बिल्कुल सही। तो फ्रेंड, इस दोनों पे अगर बीप की आवाज़ आ रही है तो रिले शॉर्ट हो गया, अगर नहीं आ रही तो रिले आपका सही है। और इस पे 80 की रीडिंग आनी चाहिए, इसी पे आनी चाहिए। ठीक फ्रेंड,
इतना आप कर देंगे तो समझ लीजिएगा इसका जो आपका ये रिले जो है अभी ना बीप की आवाज आ रही है और रीडिंग भी 80 के आसपास आ रही है, इसका मतलब ये रिले हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको हम फिट कर देते, फिर वहीं पे ही फिट कर देते जहाँ पे हमारा फिट था। तो फ्रेंड फ्यूल मोटर थ्री फेज कनेक्शन कैसे चेक करना आपको वायरिंग से, तो एक आपको अर्थिंग कहीं भी दे देनी है मल्टीमीटर की। ये देखिए मल्टीमीटर की मैं अर्थिंग यहाँ पे दे देता हूँ, ये हमने अर्थिंग दे दिया। और एक को जो है आपको इस तरीके से यहाँ लगाना है, यहाँ पे लगाएंगे तो फ्रेंड जैसे हम चाबी ऑफ करके ऑन करेंगे तो इसमें वोल्टेज सप्लाई देगा। ये देखिए ये 2 पॉइंट से लेकर 3 पॉइंट तक आना चाहिए, ये देखिए 2 पॉइंट 3 पॉइंट तक आना चाहिए, ठीक फ्रेंड। इस तरीके से इसमें आना चाहिए और इसी तरीके से इसमें भी कनेक्शन होने चाहिए। जैसे हम ऑफ करके ऑन करेंगे तो इसी तरीके से इसमें भी सप्लाई आनी चाहिए और इसी तरीके से इसमें भी आनी चाहिए। ऑफ करके ऑन करेंगे और इस तरीके से इसमें भी आनी चाहिए। तीनों में आपको इसी तरीके से आनी चाहिए। अगर तीनों में इसी तरीके से सप्लाई आ रही है, इस हिसाब से आपका जो रिले भी सही है, फ्यूज भी सही है और यहाँ पर करंट भी सही आ रहा है। अगर यहाँ तक करंट नहीं आता है तो आपको कौन सी वायर चेक करनी है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ से सारा कनेक्शन आपका जो परफेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो है फ्यूज भी सही है, आपका जो रिले भी सही है, आपका ये थ्री फेस जो है मोटर में लगा हुआ है वो भी सही है। लेकिन इसकी जो है अगर यहाँ सबसे नहीं आ रहा करंट तो आपको क्या चेक करना चाहिए, आखिरी स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। तो ECU से ये देखिए, ये मैं कंपनी रिकमेंडेड बता रहा हूँ, कोई भी अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, ठीक फ्रेंड। इसमें से जो है रेड और वाइट ये पहले से तीसरी तार 1 2 3, तो इसमें से हम देखेंगे 1 2 3, इसमें जो है 12 वोल्ट का करंट आना चाहिए। ये तीसरे पे हम इस तरीके से लगा देंगे, इस तरीके से हमने लगा दिया और अर्थिंग कहीं भी दे देंगे और मल्टीमीटर ये देखिए रेड पे वाइट है तार, इस पर आपको एक तार लगा लेनी है और एक अर्थिंग कहीं भी दे देना और इस पर जो है 20 के पे मल्टीमीटर को सेट करना, उसमें 12 वोल्ट का करंट आना चाहिए। ये देखिए 12 वोल्ट का करंट आ रहा, चाबी ऑफ करेंगे तो चला जाएगा, ऑन करेंगे तो आएगा। ध्यान रहे ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है चाबी ऑन करके ही चेक करना है, आपको चाबी ऑफ करके नहीं चेक करना। अगर आप चाबी ऑफ करके चेक करेंगे तो ये सारी डिटेल आपको नहीं पता चलेगी। अगर यहाँ तक सप्लाई आ रही है तो आपका जो फ्यूल पंप जो मोटर होती है इसको चलाने से कोई भी नई चीज़ रोक सकती है, ठीक फ्रेंड। आपका फ्यूल मोटर पंप जो है 100% चलेगा। अगर इतनी सप्लाई अगर आ रही है और इतनी सारी चीज़ें आपने चेक कर ली है फिर भी फ्यूल मोटर नहीं चलती है तो आपको जो है फ्यूल मोटर चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक फ्रेंड। इसकी जो फ्यूल मोटर है बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक फ्रेंड। तो इससे मैं कनेक्शन लगा देता हूँ और मैं आपको स्टार्ट करके गाड़ी दिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट किया और एक्सीलेटर प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आशा करता आपको जानकारी वीडियो अच्छी लगी होगी। जानकारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।